Class 2, subject computer. We are going to start our unit 2, mouse and keyboard. Mouse and keyboard are two input devices of the computer. The mouse and the keyboard are the input devices of a computer that we use most frequently. Mouse और keyboard computer की वो devices हैं जो हम बहुत ज़्यादा use करते हैं. A mouse has two buttons. One for the left click and the other for right click. Sometimes a mouse has a scroll wheel which is used for scrolling up and down a document. As you can see in the picture, there are two buttons on the mouse, left button and right button, and there is a scroll wheel in the center which is used for scrolling the document up and down. Left click. लेफ़्ट साइड वाला जो बटन है ये लेफ़्ट क्लिक के लिए यूज़ होता है, उसे लेफ़्ट क्लिक कहते हैं. व्हेन द लेफ़्ट बटन ऑफ द माउस इज़ प्रेस्ड एंड रिलीज्ड वंस इट इज़ कॉल्ड अ लेफ़्ट क्लिक. अ सिंगल लेफ़्ट क्लिक सेलेक्ट्स एन आइटम ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. जब हम एक बार लेफ़्ट बटन को क्लिक करते हैं, इसको प्रेस करके रिलीज़ करते हैं, मतलब एक बार इसको प्रेस करते हैं, तो इसे लेफ़्ट क्लिक कहते हैं. और किसी भी आइटम को जो मॉनिटर की स्क्रीन है उसे सेलेक्ट करने के लिए एक सिंगल लेफ़्ट क्लिक यूज़ होता है. अ डबल लेफ़्ट क्लिक डिस्प्लेस अ विंडो और ओपन्स अ सिलेक्टेड आइटम. द आइटम मे बी एन आइकन और अ फाइल. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू लेफ़्ट क्लिक डबल द आइकन दिस पीसी ऑन द डेस्कटॉप, अ विंडो अपीयर्स एज शोन ऑन द नेक्स्ट पेज. जैसे दिस पीसी, हम अगर मॉनिटर की स्क्रीन पे दिस पीसी का ये आपको नज़र आ रहा है ऐसे आइकन बना होता है, इसको जब हम डबल लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये इसका पूरा मेन्यू हमारे पास ओपन हो जाएगा कि इस आइकन में हमारे पास कौन कौन से फोल्डर्स हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं, सारी इसकी डिटेल आ जाती है. जो सिंगल लेफ़्ट क्लिक है वो किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, और जो डबल लेफ़्ट क्लिक है ये किसी भी आइकन को, फाइल को, फोल्डर को ओपन करने के लिए यूज़ होता है. राइट क्लिक. व्हेन द राइट बटन ऑफ द माउस इज़ प्रेस्ड एंड रिलीज्ड वंस इट इज़ कॉल्ड अ राइट क्लिक. जब राइट बटन को हम एक बार प्रेस करके रिलीज़ करते हैं, मतलब एक बार इसको हम क्लिक करते हैं, तो इसे राइट क्लिक कहते हैं. अ राइट क्लिक डिस्प्लेज अ मेन्यू ऑफ द सेलेक्टेड आइटम. द आइटम मे बी एन आइकन और अ फाइल. कोई भी फाइल है, कोई भी आइकन है, अगर हम उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो उसका मेन्यू ओपन हो जाएगा. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, हमने दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक किया तो उसका मेन्यू ओपन हो गया और हमारे पास आ गया कि इसमें जो जो सिस्टम है इसको हमने अगर कुछ डिलीट करना है, रीनेम करना है, शॉर्टकट क्रिएट करना है, इसका ओपन करना है, तो ये सारी हमारे पास डिटेल्स है. अब हमने डिज़ायर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करके क्लिक करना है. फॉर एग्जांपल, यू शुड राइट क्लिक द आइकन दिस पीसी ऑन द डेस्कटॉप, अ मेन्यू अपीयर्स एज शोन बिलो. ठीक है, दे हैव अगेन टोल्ड यू दैट इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन, इफ यू राइट क्लिक इट द सब मेन्यू विल ओपन एंड यू कैन सिलेक्ट योर डिज़ायर्ड ऑप्शन.